बिलाल भाई ने विशाल साहब का, लेकिन उन्होंने तो मुझे मजाक में डाल दिया, लेकिन मैं रियल में आपको बताता हूँ कि उनके दो तीन शेड है और ईंटों वाले पट्टे हैं। ब्रिक्स कंपनी है, ब्रिक्स कंपनी क्या ब्रिक्स कंपनी ब्रिक्स कंपनी जी। तो सुबह सुबह का करना जैसे आप देख सकते हैं कि देख सकते हैं कि तो मैं आ रहा था रोड पे, मैं सीधी तरफ आ रहा था, तो ये शूट कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के फजल व करम शुक्र से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज डे है जी मंडे का, लेकिन फिर भी आज मैं यूनि नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, क्योंकि आज जाना था शादी पे, तो इसलिए मैं थोड़ा उठा हूँ लेट। क्लासमेट की शादी थी तो थोड़ा लेट उठा हूँ। अभी मैंने मुंह भी नहीं धोया, देख सकते हैं आप। तो अभी फ्रेश होते हैं, पर फर्स्ट ऑफ ऑल नहाना है, फिर नाश्ता करना है, उसके बाद चेंज काट के तो चलते हैं, और बाकी का माहौल हम दिखाते हैं आपको उधर। से शहर हिला में जो पालिया मंडी के नज़दीक है, और इधर जाम भी बहुत ज़्यादा है। भाई अल्लाह खैर करे, पुलिस वाली गाड़ी पता नहीं किधर जा रही है। पहुँचे हैं जी डॉक्टर साहब के पास। भाई लोग पहले तो बैठे हैं इधर, चाय नाश्ता हो रहा है। यार मैं तो थोड़ा लेट हो गया, चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा। डॉक्टर साहब पता नहीं क्या क्या बातें किस किस के साथ कर रहे हैं। कामरान भाई देखिए यार कैसे देख रहे हैं, जैसे इनको डर लग रहा है। और विशाल साहब आप कैसे हैं? डॉक्टर यार तू रले हमें उन दे नाल अकील नाल।
पहले जाके उसे की करना है। तू की वेह रहे इस तरह मेरे हाल ये कह रहे हो डॉक्टर साहब? मैं कहा 2016 में दिता थी कोर्स। अच्छा हूँ जनाब हो रहे हैं आप नहीं बना रहे मेरी वाडी यार। अच्छा हूँ हो रहे हैं जनाब हो रहे हैं 6 साल हो गए 6। शादी भाई से तो बाद नेक्स्ट शादी है नेक्स्ट प्रोजेक्ट शादी है ये यार इंशाल्लाह इस महीने में दुआ करो सना सावे ते कल आवे जनाब मेरा काम है उसे ते इंशाल्लाह फिर अगले उस तो अगले महीने शादी इंशाल्लाह ये कि मैंने एक बड़े दुकान तो के बहुत ने बात अच्छा मेरी डॉक्टर मैं दे दूंगा मेरी पूरी कोशिश है कि फाइनल वाटी मैं दिक्कत हो रहा हूं यार पहले यार जा भाई लैंग जावा कॉलेज क्लास ले और नौ नाना का 6 महीने का प्रोग्राम होगा1.5 लाख रुपया तेरा साल का सिर्फ पैंपरा का बिल होना है। तो ये लो जी गाड़ी मिल गई और अभी हम निकलने लगे हैं क्रिस्टल हॉल मंडी बहावलदीन साइड पे मतलब क्रिस्टल मार्केट जिधर अगली माँ उधर पहुंच रहे हैं हम अभी। ओ तेरे साथ तेरे नाल और भी कार लेना है डॉक्टर साहब। तो ये है जी फेमस चौक सतसिरा चौक ऑफ मंडी बहावलदीन वो जो सामने आपको उसका लोगो नजर आ रहा होगा। बादशाह आज एक घंटे का जेड़ा है ना ब्लॉग वो मैं शूट करना है इस वास्ते मैं वीडियो बार बार बना रहा हूँ। सारे ने बेच पाया है थोड़ा टाइम जे ना देखना उन्हें देख नहीं है ना टाइम तो पूरा वैसे ही ना सारे तेरे यार नहीं डॉक्टर को जैसे आए ना जेड़ा इंतजार कर देने साड़ी वीडियो का साल जे दस्यो मेरे को तो गड्डी कोई निकलनी चुक कर लेंगे इसका ला कॉल अभी है मैं इतने तेरे तो ब्लॉग बनाने है वो फिर व्लॉग जेड़ा ना ज्यादा वायरल हो गया पांडे मेन्यू दस की है तो ये फेमस चौक है सतसिरा चौक है सतसिरा इसको क्यों कहते हैं वो बताएंगे डॉक्टर साहब क्योंकि वो इधर के रहायशी है उनका जो कारीगर है तो हमें तो नहीं पता प्रॉपर नहीं पता थोड़ा वाला हिंट है हमें थोड़ी वाली हिंट है लेकिन डॉक्टर साहब प्रॉपर बताएंगे कि सतसिरा चौक इसको क्यों कहते हैं जी डॉक्टर साहब। अच्छा सर जी सतसिरा इस वजह से इसको कहते हैं कि इस चौक में से 7 सड़कें एक व्यक्त निकल रही हैं 7 सीमत में। अच्छा मतलब कि जो मैंने सोचा था वो ही है 7 सड़कें निकलती हैं इस वजह से इसको सतसिरा चौक कहते हैं और पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे आप कंट्री में देख सकते हैं कई तरह का कोई चौक नहीं आपको मिलेगा जिधर से 7 सड़कें निकलती हैं 7 इकट्ठी सड़कें। अच्छा आप बता सकते हैं कि ये 7 सड़कें किधर से आती है या जाती है? ये आप हम इस चौक में खड़े हैं एक सड़क जा रही है मेन सिटी की तरफ मेन सिटी मंडी की तरफ ठीक है। अच्छा। दूसरी साइड पे आप उसके अपोजिट देखें तो वो जा रही है सड़क आपकी फालिया शहर की तरफ फालिया साइड पे ठीक है। तीसरी सड़क आपकी जाएगी जनाब मराला की तरफ मराला ठीक है उसके साथ ही 4 हो गई 3 रह गई। हाँ जी चौथी जो आपकी वो जाएगी सीधी जनाब वासु गांव सुना होगा आपने शायद ठीक है। अच्छा उधर से वो होती हुई आगे जनाब एलांग की तरफ जाएगी जिधर से कामरान भाई आते हैं जी कामरान भाई आते हैं और पांचवीं जो है ना छठी वो पांचवीं जाएगी हमारी इधर शुगर मिल की तरफ है शातार शुगर मिल जिधर गन्ना आता है जिधर। अच्छा और छठा जो रोड है वो जनाब आपका जा रहा है सीधा मगरब की तरफ यहाँ से
आला स्टेशन गांव आ रहा है उधर छिमो साना खदाना रिया होता हुआ मलकवाल जाएगा। अच्छा ठीक है। और सातवां जो है वो हमारा जो शहर है सुहावा उसमें जो है एंट्रेंस है उसका। अच्छा डॉक्टर साहब आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं? नहीं यार ये ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करते, वैसे करें आपके इलाके का आपको पता है या नहीं पता? तो ये इनका इलाका है इनको भी पता है, ये कुत्तों की तरह फिरता नहीं है लेकिन इसको पता है। सॉरी डॉक्टर साहब आपको नहीं बोलना कुत्ते को बोलना है। कुत्ता है किधर पता नहीं किधर है जी। वो आ गया रोड जो मंडी सीट की तरफ जाता है, अभी तो ये बन रहा है, अभी बन रहा है, बन रहा है। तो इससे आगे जी आ रहा है क्रिस्टल मार्केट है, उधर जी आज हमारे क्लास फेलो अकील मोहम्मद इफ्तिखार का वलीम है। हाँ ठीक है यार, थोड़ा इंटरेस्टिंग लाना चाहिए। चिश्ती साहब नहीं गोंदल साहब, तो पांडा पांडा वो तो उर्फ पांडा है ना जो उसका क्लास नेम है। और उर्फ ये नजर आने लगा जी हमारा जिस ब्लॉग कॉलेज मंडी पावर है। आज फर्स्ट टाइम मैंने अपने ब्लॉग में आपको अपना कॉलेज का क्या करवाया है, इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि ड्राइव कर रहे हैं तो इन्होंने बोला है कि मेन मसला जो है वो आपने डिस्कस ही नहीं किया। तो अभी ना कासिम साहब ये ट्रैफिक का मसला क्यों है? वैसे ध्यान आपका आगे रहना चाहिए लेकिन फिर भी आप ऐसे ही बता दे कि ट्रैफिक का मसला क्यों है। अब आप ज्यादा हो गया इसलिए, ये तो सबको बताए लेकिन डॉक्टर साहब बताएंगे कि ट्रैफिक का मसला क्यों है। जी डॉक्टर साहब बताएं ट्रैफिक का मसला क्यों है? अच्छा सारे हमारे मुल्क में ये अलमिया है कि हमारी कौम जो है वो जाहिल है। ठीक है। अच्छा मतलब है मतलब पढ़े लिखे नहीं है, शऊर नहीं है इनको। अच्छा ये दो दो करोड़ की गाड़ियां लेके उसमें बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन जब जो अंदर बंदा बैठा हुआ है वो 2% का बैठा हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब पहले भी मिसाल देते हैं कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम इस वजह से है, 2 करोड़ की गाड़ी में बंदा 2% का भी नहीं होता। इसलिए इस वजह से वो जो बैठ जाएगा तो वो रोड पे बस जिधर उसका दिल करेगा वो खड़ी कर देगा। ठीक है। जहाँ पे नहीं अलोज ना पार्किंग उधर खड़ी कर, मतलब उसने अपना रेट जो है वो दिखाने के बाद 2% का वो गाड़ी दिखाना चाह रहा है। आप 2% के हो ये मिसाल साहब बताएंगे। जी मिसाल साहब तो बताए डॉक्टर साहब हमारे कितने टके गया माशाल्लाह तो जी इसके साथ साथ डिस्कस होगा हमारा ट्रैफिक का इशू, तो साथ रहिएगा और चलते हैं क्रिस्टल मार्केट। तो कुछ चीजें दिखाते हैं हम आपको उधर, खाने पीने की भी दिखाएंगे, खाने पीने की भी दिखाएंगे। बोले डॉक्टर साहब तो ये पहुंचे हैं जी हम क्रिस्टल मार्ट की जो हालवा को हुआ था उधर पहुंचा है। वीडियो बनाने वाला कोई नहीं अली इसलिए मैं खुद ही वीडियो शूट कर रहा हूं। तो ये है जी स्टेज जिधर आके बैठेंगे हमारे भाई, वैसे बहुत प्यारा है मुझे तो अच्छा लगा है, आपका नहीं पता आपको ये कैसा लगा है। नाइस है, लाइटिंग वगैरह भी अच्छी लगी है। और ये लोग कर रहे हैं जी वेट, अभी तो लोग यार आ ही कोई नहीं है, हम ही आके बैठे हैं। ये देखो कैसे गप्पे लगा रहे हैं। हाँ हो जा सीधा तू डॉक्टर पुत्र, डॉक्टर ने गुस्सा लग रहा है। वैसे जी देखे इसको गौर से देखें एक बंदे के, लेकिन उन दोनों को भाइयों की शादी हुई थी। ये चाचा जो है ना ये मेरी तरफ देखे जा रहा है पता नहीं क्या इसको मसला है। बाकी तो सब अपने माहौल में ही बैठे हैं। ये देखो भाई जान शूट कर रहे हैं, फ़ोटो शूट कर रहे हैं और उसके साथ कामरान भाई को बहुत हंसी आ रही है। डॉक्टर साहब ये पहले मैंने बताया कि वैसे वो दो भाई हैं इधर तक, तो अभी एक भी नहीं पहुँचा और बार बार फिर वही शॉट मैंने 2 बार यार कर दिया। चलो कोई मसला नहीं, पहले यार बंदे कम आए थे अब थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए दोबारा वीडियो सेम ही कर लिया मैंने। ये देखो मैं खाने के इंतज़ार में कैसे बैठा हूँ, नज़र आया ना ये अभी तो खा लिया इधर आके। तो आपको फ्रेंड्स का इंट्रोडक्शन करवाया ही नहीं, तो ये मैं तो इंट्रोडक्शन आपका करवाऊँ या खुद ही बोलेंगे? मैं बोलता हूँ ये है जी अली अब्बास बसाल साहब फ्राम बसाल। तो सेकंड पे आ गए जी कामरान भाई, जी कामरान भाई फ्राम हिला
सुखराम हेला। तो ये आगे जी हमारे डॉक्टर साहब, इनका तो पहले आपको पता ही है लेकिन फिर भी बताएं डॉक्टर साहब। बिलाल, ओ बिलाल तो पता है यार, सबको पता है, हमको पता है बिलाल, डॉक्टर एडवोकेट और क्या, फ्राम मंडी बाल दें, सुहावा मंडी के साथ ही है। तो ये जी मैं आ गया सदाम अली फ्राम जुकालीपुर, जैसा कि आपको पहले पता भी है, ठीक है। तो मेरे साथ बैठे हैं जी कासम अली फ्राम बसाल, चट्ठा साहब एक्सप्रेस जो है वो इनकी है, कसम बसाल फ्राम बसाल। इस भाई के जो है ना ये लगते हैं गांव के इधर है ना, अब इनका काम बताएं क्या है इनके। अच्छा इनके काम जी बताएं डॉक्टर साहब। स्मगल करना, इस भाई का गिटरियां स्मगल करना जी डॉक्टर साहब। इस भाई का इधर करें ना कैमरा उधर जी जी, कैमरे में है आप भी है वो भी है दोनों में। अच्छा ये भाई जो है ना ये वाले जी, इनका जनाब अपना एक मुर्गी फार्म है, शेड है, शेड है। अच्छा और उस पे ये नहीं यार चबल मारू सी साडी वीडियो नहीं, मैं चबल मारू सी की गल ए ए ए वीडियो काटी नु रख यार। बिलाल भाई ने विशाल साहब का लेकिन उन्होंने तो मुझे मजाक में डाल दिया, लेकिन मैं रियल में आपको बताता हूँ कि उनके दो तीन शेड है और ईंटों वाले सबसे पहले तो ये स्टडी नहीं करते हमारे क्लास फेलो है वैसे तो बेवकूफ बनाया है अपने आप को भी और घर वालों को भी, सिर्फ इसने नहीं हम सब ने, क्योंकि स्टडी तो करनी नहीं है, कॉलेज भी जरूर जाना है, फीस टाइम पे करनी है, ये सब कुछ जी। तो वो देखे हमारे फ्रेंड के बड़े भाई आगे पहुंच आए हैं, वो जो दरमियान में खड़े हैं, ये जो मिल रहे हैं, ये आए हैं साउथ अफ्रीका से आए हैं, तो इनकी भी ना उसके साथ ही शादी थी। तो हमारे फ्रेंड का यार पता ही नहीं चल रहा, वो मेरे ख्याल से आज भी, अब क्या कहना यार, शादी है उसकी, चलो रहने देते हैं। ये तो बहुत हैवी फोटो शूट कर रहे हैं। तो ये ले जी, ये ले आ गए जी हमारे पांडा साहब आज तो बहुत खुश खुश नजर आ रहे हैं, बैठ के पानी पीना चाहिए, बैठ गया बैठ गया, बस करो बस करो भाई, और कितना पीना यार, वो पीछे आपके भाई देख रहे हैं आपको, इतनी जल्दी है यार पानी पी के उठ भी गए, और हमें बताया कि इतनी सीरियस क्यों वो, डॉक्टर साहब पूछे इनसे यार ये इतनी सीरियस आज क्यों नजर आ रहे हैं। ये हमारी शूट का, हमारी शूट का बोर्ड है ये, बैठ के दो चार बनवा लेंगे, फिर दो चार खिलो के बनवा लेंगे, क्यों भाई जान है। इंतहाई इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर साहब जो है ना वो खाने के इंतजार में बेताब बैठे हैं, और ये सारे लोग भी ऐसे ही बैठे हैं, और डॉक्टर साहब को तो कुछ ज़्यादा ही भूख लगी है यार, कसम साहब आप क्या देख रहे हैं। और ये आ गया जी मैं भी, मिसाल साहब भी, भट्ट साहब भी, ये जी मिल गया कैचिंग मिल गया, तो हमें आप जो है ना खुशी हुई है कि अब काम स्टार्ट होने वाला है। और ये देख लें जी डॉक्टर साहब सलाद पर तबसरा करते हुए, ये इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, गुस्सा लग रहा है यार इनको, पता नहीं क्यों गुस्सा लग रहा है, नहीं अब बॉटल्स आई हैं तो अब ये हंसने लग पड़े हैं मेरी तरफ, पता नहीं क्या। हाँ ये देख लिए सलाद का बोला कि आपको नहीं देना, खुद ही खाना, इसलिए ये ना इसने ऐसा बोला। वो उसके साथ साथ ही आज का व्लॉग एंड करते हैं। तो ये पहुंचा जी गार्ड, अब फ्रेश हो रहा हूँ और कंघी कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा दुआओं में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रहने देना, मैंने कहना नहीं है कर दो, जिसकी मर्जी है वो करे।